आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, श्रीमान अंसारी जी, कल से जो दायित्व संभालने वाले हैं वो श्रीमान वेंकैया नायडू जी, आदरणीय स्पीकर महोदया, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मुझे बताया गया कि 1984 के बाद शायद पहली बार किसी उपराष्ट्रपति की विदाई का समारोह हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर इस्तीफा देने के कारण या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के कारण और किसी का स्वर्गवास के कारण बीच में ऐसा अवसर ही नहीं आया। और जब 84 में संसद में उपराष्ट्रपति जी का विदाई का दिवस था तो उस समय इंदिरा जी भी मौजूद थी। कई वर्षों के बाद ये अवसर आया है। 10 वर्ष का कार्यकाल एक सांसद के नाते 10 वर्ष विविधताओं से भरा हुआ रहता है। बहुत एक्साइटमेंट के पल आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, समाज जीवन में घटने वाली घटनाओं का एक सांसद के जीवन में बहुत कुछ होता है। इतने सारे अवस्थाओं के बीच चेयरमैन को एक स्थिरता बनाए रखनी पड़ती है। कितनी ही तीव्रता क्यों न हो, कितनी ही विपरीत अवस्था क्यों न हो, और 10 साल तक लगातार इस अवस्था को चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कौशल्य की, धैर्य की और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट के कारण हो सकता है। आमतौर पर पद कोई भी रहा हो लेकिन सार्वजनिक जीवन हमारा ऐसा है कि विवादों से घिरा हुआ रहता है। सही झूठ पता चलते चलते तो दाग चिपक जाता है और बाद में कोई सही झूठ में किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। कितना लंबा सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पदों पर दायित्व संभालने के बाद कम से कम मेरे ध्यान में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो अंसारी जी के साथ विवादों में घिरी हुई हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सार्वजनिक जीवन में हम सबके लिए सीखने वाली बात है। अंसारी जी का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही रहीसी, एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन की रहीसी विरासत उनको मिलती रही है। उनके दादा, नाना, पिता किसी न किसी सार्वजनिक जीवन में वो नेतृत्व करते रहे हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा शायद, उनके एक फर्स्ट कजिन ब्रिगेडियर उस्मान 48 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में जम्मू की धरती पर शहीद हुए थे, देश के लिए बलिदान दिया था। तो ऐसी एक परंपरा से पले बढ़े अंसारी जी संसद में, और मेरा अनुभव रहा है कि वो अपने विषय में बहुत कम बताते थे। मैं कभी उनके घर भी जाता था, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी जाया करता था, तो मेरा अनुभव रहा कि वो जिज्ञासु की तरह आपको बारीकी से पूछते रहते हैं। शायद वो उनका कैरियर डिप्लोमेट के कारण भी शायद ये उनका गुण विकसित हुआ होगा
कि सामने वाले को बिजी रखो, वो बोलता रहे, हमारे जरूरत निकाल देंगे। और वो गुण उनको सदन में भी बहुत काम आया, बोलते रहो भाई, देखेंगे आगे क्या होता है। जब ऐसे विदाई समारोह में जिनकी विदाई हो रही है उनके लिए जो बोला जाता है, एक प्रकार से हिडन वे में जो आने वाले हैं उनके लिए संदेश होता है। ये गुण थे, ये गुण थे, ये गुण थे, सब इसलिए कहा जाता है कि भाई आप भी ये करदा। और मुझे वेंकैया जी का पूरा अनुभव है, सालों तक किया, तो वो इसमें से हर बारीक चीज को पकड़ते होंगे आज। मुझे विश्वास है कि इतना लंबा सक्रिय जीवन, इतना लंबा अनुभव, 10 साल के कार्यकाल में काफी बदलाव राष्ट्र जीवन में भी आए हैं, और इस पद पर रह करके उसको देखने का एक अलग अवसर मिलता है जो उन्हें मिला है। सदन की कार्यशैली में भी बदलाव, नए सुझाव, हो सकता है वो जब तक वहां थे संभव न हुआ हो। मुझे मालूम नहीं है कि इस पद से भूतकाल में जो निवृत्त हुए उन्होंने बाद में इस व्यवस्था में क्या आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए, व्यवस्थाओं में क्या सुधार लाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना चाहिए, ज्यादा हमारा समय प्रोडक्टिव कैसे बने, आउटकम कैसे ज्यादा बढ़े, क्योंकि वहां बैठे हैं तो उन्होंने सब देखा होगा। हमारा अपर हाउस और अधिक क्रेडिबल कैसे बने, इसका मतलब ये नहीं कि आज क्रेडिबल नहीं है, और अधिक समाज के लिए एक बड़ी श्रद्धा का केंद्र कैसे बने, लोअर हाउस के लिए भी अपर हाउस एक श्रद्धा का केंद्र कैसे बने, सिर्फ प्रेरणा का नहीं, मैं श्रद्धा का शब्द प्रयोग कर रहा हूं। बहुत कुछ उन्होंने देखा होगा, बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया होगा। उस समय शायद उनकी मजबूरियां रही होगी, अवस्था ऐसी रही होगी, उनको उस समय दिन निकालना होगा, सरकार का कोई कामकाज निकालना होगा, बड़ी गर्मा गर्मी है, गहमा गहमी है, तो उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए कुछ स्टैंड लेना पड़ा होगा, लेकिन उसमें से कुछ कॉन्क्रीट चीजें निकल सकती हैं। मैं आशा करूंगा कि देश हित में आने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो और कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव लाना हो, उन्होंने जरूर इसे शब्दबद्ध करना चाहिए, एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट देना चाहिए। इस अनुभव के आधार पर आने वाली जो भी पीढ़ियां होगी, सरकारें होगी, जरूर उसमें से दो चार चीज करते चलेंगे, उसके कारण हमारी इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं और अधिक अच्छी बनेगी। और मैंने देखा है कि वो उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता, उनका डायनेमिज्म, और जिस प्रकार से उन्होंने हेल्थ को मेंटेन किया है, तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट आगे भी कर सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि वो जरूर हम लोगों के लिए उपयोगी बहुत सी चीजें हमें देते रहें। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं हैं, उत्तरोत्तर देश की जरूरी चीजों में उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, इस अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।